के आपके नाक में नकेल पहना के बैठा हूँ? अरे चेकवारे की चेला भी मेरी बात सुन लीजिए। एक मिश्रा मैं अपने पास आऊंगा। आपके नाक में नकेल पहना के बैठा हूँ? अरे चेकवारे की चेला भी मेरी बात सुन लीजिए। एक मिश्रा मैं अपने पास आऊंगा। आपके नाक में नकेल पहना के बैठा हूँ? अरे झंडे भी है, लाल झंडे भी है। आप गाली देने वालों को क्यों मार करते हो मुझे बताइए? मैंने आपको उदाहरण दिया। 19 साल तक इस देश में आंदोलन चले हैं अंग्रेजों के खिलाफ। आप चुप रही है? आप मोदी के खिलाफ, मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोई नारे नहीं चाहिए सर। आप बने हैं ना किसान नेता, किसानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चे गुवारे के चेला बन के गाली गलौज दिलवा रहे हैं। आप किसान हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे आप क्योंकि सुनने की आदत नहीं है आपको। इसी प्रकार भाजपा के लोगों को भी सुनने की आदत नहीं है। वन वे है, वहाँ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। गांधी जी के तीन, आप सुन लीजिए, आपका जब समय हो आप बोलिएगा। ठीक है, आपके समय पर आप बोलिएगा। अब एके मिश्रा जी का टाइम है मेरे साथ। एके मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लाल झंडा उठाना गुनाह है। मैंने कब कहा किसान ने किया ये? आपको मालूम है मैंने कब कहा किसान ने किया ये? मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि किसान ने किया ये? के लिए तो लाशें उठाना भी गुनाह नहीं है। डॉक्टर संजय को मैं बताना चाहूंगा, सुनिए जरा इनको, ट्यून करिए। भारत का इतिहास रहा है सत्यम भ्रुआत प्रियम भ्रुआत। यहाँ सत्य को भी प्रिय तरीके से बोला जाता है। ये जो आंदोलन हो रहे हैं, दो नई चीजें देखने को मिल रही है। राष्ट्रद्रोही नारे यहाँ पे लगाए जाते हैं और बदगुमानी होती है। अरे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों को इस देशवासियों ने भगाया, एक भी आदमी ने बदजुबानी नहीं की। इतने आंदोलन हुए, अभी बाबा रामदेव ने पूछा भी आरएसएस का आदमी शहीद हुआ, उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, कहीं पे भी ऐसी बकवास कर तो शर्म नहीं आती आपको? आंदोलनों में आजकल शब्दों का चयन सही रखिए डॉक्टर संजय माधव, शब्दों का चयन सही रखिए, डिबेट है ये। आंदोलन जो भारतीयों ने किया हो, जहाँ पे बदजुबानी हुई हो, लाल झंडा ही नहीं, लाशें उठाना भी इनके लिए गुनाह नहीं है। ये लाल झंडा और लाशें उठाने में ये माहिर है, और हजारों लोग बैठे हैं, ये आयोजक हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये उन लोगों को हटा भी नहीं पा रहे हैं। आपका एक कैमरा, एक रिपोर्टर आपका वहां पे घुस के दिखा दे सर तो मैं बताऊं, लेकिन 10-10 लोग बैठ के गालियां दे रहे हैं और ये लोग उनको बैठा के लंगर खिला रहे हैं। बैठे हुए हैं भारत के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में ऐसे आंदोलन नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आंदोलन में बदजुबानी हो रही है, राष्ट्रद्रोह के नारे लगते हैं, भगत सिंह का ये लोग चित्र लेके बैठते हैं। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कभी बदजुबानी प्रयोग नहीं किया है। बोला है तो आपको तर्कों से बोला है, फैक्ट से बोला है, लॉजिक से बोला है। अपने आप को डॉक्टर संजय बदनाम करिए, भगत सिंह को मत करिए, गांधी को मत करिए, यहाँ के इतिहास और सभ्यता को मत करिए। आंदोलन ऐसे नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? 4 साल पहले ही अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, हजारों आदमियों की भीड़ थी, एक आदमी बदजुबानी नहीं कर पाया। आंदोलन में डिसिप्लिन होता है, आपके आंदोलन में डिसिप्लिन नहीं है। डॉक्टर संजय जरा आईना लेके देखिए, आप फेवर कर रहे हैं। मिश्रा जी आप देखिए आकर के, 19 दिन से किसान बैठे हुए, कोई बदजुबानी हुई? सर मैं देख रहा हूँ 19 दिन से, और मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और आप लोग कैसे कैसे लोगों को बुला के वहाँ पे बैठा रहे हैं। आप कैसे, आप बताइए, कह लेते हैं कि 20 लोग हजारों लोगों की भीड़ में बैठ के शर्जिल इमाम की बातें कर ले? आपने उनसे सवाल पूछा? आप एंकर से पूछोगे? आप हमसे पूछते हो? रिपोर्टर को आप घुसने नहीं देते हो, फिर बोलते हो गोदी मीडिया है? ठीक है ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लाखों जी आप भी थोड़ा शांति रखिए, जरा दूसरे को भी मौका दीजिए बोलने का। लाखों किसान 19 दिन से बैठे हुए हैं, बताइए आप। माधव जी सर, 19 साल आंदोलन यहाँ चले हैं, आजादी का आंदोलन 40-40 साल चला है। बीजेपी शुरू से कोशिश कर रही है इस आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। पहले ये सारे खालिस्तानी बन गए थे, ठीक है, फिर देखिए बीजेपी का तो ऐसा है, जो उनके विरोध होता है वो देशभक्त नहीं देशद्रोही होता है, तो किसान सारे आज देशद्रोही बन गए। बीजेपी ने तो वो करना है जो उनका मतलब है, ना उनको किसान आंदोलन से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, मोदी जी और संघ को सिर्फ अपने आप से मतलब है। यही वो बीजेपी वाले हैं, जब अन्ना हजारे कर रहा था, आरएसएस वाले जाके रामलीला मैदान में उस आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे, जब वो उसका समर्थन कर रहे थे, क्या वो देशद्रोही हो गए थे? जहां तक शालीनता की बात है, कि सबको शालीनता मेंटेन करनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल रहे, चाहे जो संघी
राहुल गांधी जी के विरोध बोलते हैं, सोनिया जी के विरोध बोलते हैं, वो शालीनता का भी इनको पालन करना चाहिए। जो मोदी जी गंदे गंदे भद्र अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी शालीनता मेंटेन करनी चाहिए। ये सब पे लागू होती है। देखिए बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने निकाल रखा है, जो इनके विरोध है वो एंटी हिंदू है, पहली बात। जो इनके विरोध है वो देशद्रोही हो जाता है। क्या पता ये अपने लोग भेज के ही प्लान करवाते हो। देखिए देखिए आप लोग रोक मतलब मुदित जी अपनी गरबार में जाके मिश्रा जी आपको ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं। देखिए आपको भी मैं आंदोलन अगर आप नहीं बोलेंगे ना यहाँ तो आप बीजेपी वाले आपकी पिटाई करेंगे। चक्कर ये आज प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए, उनके विरोध कोई नहीं बोल सकता। आंदोलनकारी अपने बगल में बोल सकते हैं। ठीक है माननी चाहिए आपको। ठीक है मुदित अग्रवाल, मुदित अग्रवाल जी आपने आरोप लगा दिया। मुदित जी सुनिए मुदित जी आपने आरोप लगा दिया। मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी बीजेपी को डिफेंड करने दीजिए ना। इन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए हैं तो वो डिफेंड करेंगे, उनको उनको बात रखने दीजिए ना, वो सक्षम है अपने आप में। सुदेश वर्मा जी बोलिए, ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ये सब बीजेपी करवा रही है। शर्जील इमाम के पोस्टर बीजेपी लगवा रही है, उमर खालिद के पोस्टर बीजेपी लगवा रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी करवा रही है, ये कह रहे हैं। आप डिफेंड कीजिए इसको। आप व्यक्तिगत मत होइए, नहीं तो हमें पता है कि आपकी नाक में किसकी सच्चाई लग रही है, बीजेपी कौन मचा रहा है, आपकी नाक में किसकी नकेल पड़ी है और कौन मचा रहा है। मोदी जी हमें भी पता है। अच्छा अमित शाह जी ने बोला होगा आपको ये बोलने को, आपकी रिपोर्ट जाएगी ना, आपकी नाक में भी कौन मचा रहा है जी, क्या बोले आपकी वो हमें भी पता है। लॉजिक पे बात करिए सर, वो दिख रहा है आपका एजेंडा क्या है। आप आपका एजेंडा यही है सर, जो गाली दे रहा है देश को, नेताओं को, उनको बगल में बैठा के लंगर खिलाए, ये आपका एजेंडा है। ठीक है ठीक है ठीक है मुदित जी, मुदित जी मिश्रा जी अब आपने बोल लिया, ठीक है। अब पॉलिटिकल मंच नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल नेता ना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, किसानों का आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। पिछले 19 दिन से लाखों की संख्या में किसान एकदम अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब से लेकर के दिल्ली तक आए, रस्ते में सरकार ने झंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये जो अभी देशभक्त बन रहे हैं, किसानों पर बड़े जुल्म किए, उसके बावजूद किसान ने कोई अहिंसा नहीं की, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। वो दिल्ली तक आ सकते थे, दिल्ली के अंदर भी आ सकते थे, लेकिन अपने स्वयं अनुशासन से किसान दिल्ली के आसपास बैठा हुआ चारों तरफ घेर करके कोई भी अनुशासनहीनता किसान नहीं कर रहा। ये जो भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के और आपके विशेषज्ञ महोदय, ये भाषा भड़काने वाली भाषा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसानों का संकल्प है, पूछ लिया हरे झंडे भी है, लाल झंडे भी है। गाली देने वालों को खिल मार करके वो मुझे बताइए, मैंने आपको उदाहरण दिया, 19 साल तक इस देश में आंदोलन चले हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा व्यवहार का प्रयोग नहीं किया। आप चुप रहिए आप। अरे चेगुआरे की चेला भी मेरी बात सुन लीजिए। एक मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। हरे झंडे भी है, लाल झंडे भी है। आप गाली देने वालों को खिल मार करके वो मुझे बताइए, मैंने आपको उदाहरण दिया, 19 साल तक इस देश में आंदोलन चले हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा व्यवहार का प्रयोग नहीं किया। आप चुप रहिए आप। अरे चेगुआरे की चेला भी मेरी बात सुन लीजिए। एक मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा, एक बार माधव जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। माधव जी मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, तो ये तो बदनाम करने की कोशिश है ना। क्या आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे? ये चीज होनी चाहिए, नहीं करेंगे। यदि कोई अभद्रता कर रहा है, कोई गलत नारे लगा रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहा है, तो हम आपको किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से, अखिल भारतीय किसान समाज की तरफ से ये कहना चाहते हैं, किसान ना तो कभी अभद्रता करता है ना कभी की है। इस हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान के अंदर 13 दिन तक रास्ता रोका है किसानों ने, 8 दिन का पड़ाव डाला है, और कभी एक जरा सी भी। अब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं सर, अब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे देश का किसान ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन सवाल यह कि ये हो रहा है और किसान आंदोलन के नाम पर ये चीजें हो रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि उनको किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। और लेकिन एक बार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना, गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाना, कृषि मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, सरकार के खिलाफ नारे लगाना, ये देशद्रोह नहीं है। ये सरकार, ये नारे मोदी जी बिल्कुल नहीं है देशद्रोह, बिल्कुल नहीं है देशद्रोह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये देशद्रोह है, लोकतंत्र है, नारे लगाइए, लेकिन आप कह क्या रहे हैं ये भी तो देखिए। आपने अगर वो वीडियो सुना होगा, मेरे तो मुंह में वो शब्द नहीं आ सकते यहाँ पर, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अगर आपने वो वीडियो सुना होगा तो उसमें कैसी कैसी बातें प्रधानमंत्री के लिए कही जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का किसान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। आपके नाक में नकेल पहना के बैठा हूँ,
देंगे, आपके नाक में नकेल पहना के बैठा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मिश्रा जी के नारे कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि मिश्रा जी पद पर नहीं है। मोदी के खिलाफ मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो कोई नारे लगाता नहीं। चाहिए सर, आप बने हैं ना किसान नेता, किसानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चे ग्वारे के चेला बन के गाली गलौज दिलवा रहे हैं। आप किसान हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अरे आपको, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ, इस जी देखिए बड़ी विचित्र बात है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, LIU, रॉ, अनेक एजेंसियां जो इनपुट देती हैं सरकार को, वो सब सरकार के अधीन रहती हैं। क्या सरकार के पास इस बात का इनपुट नहीं होगा कि ये कौन लोग हैं? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी किसान इस तरह की हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि इस आंदोलन को शांति प्रिय रहने दे? सरकार क्यों नहीं वहां पर जाके इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही है कि इस तरह के जो बात की जा रही है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार मिश्रा जी बात कर रहे हैं, मिश्रा जी हमारी तो संस्कृति ये भी कहती है, छोटा चना बाजे घना, तो ज्यादा वही लोग बोलते हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। हम बात रखनी है यहाँ किसानों पे, ना कि अपने आपस में लड़ने की बात करनी चाहिए। बात कीजिए आप तथ्यों पर, आप बताइए कि हमारी, हम कहते हैं सरकार है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने परोसा क्या है? क्या आपने कभी उस पीड़ा को समझा है किसान की? उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने समर्थन क्यों दे दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री को तो इस बात का दुख है, एहसास है कि किसान आज सर्दी में बैठे हैं। ठीक है, चलिए योगी चलान जी, आपने कम से कम ये तो माना कि कुछ हो रहा है, यानी कि कोई साजिश तो हो रही है। AK मिश्रा, आप जवाब दीजिए इस पर, आप अपनी बात रखिए, अब पूरा टाइम आपका है। क्योंकि सुनने की आदत नहीं है आपको, इसी प्रकार भाजपा के लोगों को भी सुनने की आदत नहीं है। वन वे है, वहाँ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। गांधी जी के तीन, आप सुन लीजिए, आपका जब समय हो आप बोलिएगा, ठीक है, आपके समय पर आप बोलिएगा। अब AK मिश्रा जी का टाइम है, योगेश जी, अब AK मिश्रा जी को बोल दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उन्होंने आपकी बात सुन ली, अब AK मिश्रा बोलिए। क्या कहती है कि क्या कहती है मिश्रा जी, अकेले सम्मान करती है किसान, किसान से क्या कहती है? पहुंच गए आप चीजों को, आप अगर हम कनाडा के PM पे पहुंच जाए तो आप बोलो ये कनाडा क्यों जा रहे हो, आप किसान की बात करिए ना। तो हमने भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान क्यों गए थे, बातों से बातें निकल कर आती हैं। आप किसान पर बात करिए, आप किसान पर बात करिए। और दूसरी बात सुनिए, जिस झंडे की बात हो रही है सब जानते हैं, झंडे के रंग से आपको एलर्जी है क्या? कोई आदमी वहाँ अपनी बात कहने जा रहा है तो ये आपका नहीं, ये सरकार का दायित्व बनता है कि अगर वो सही है तो उसकी बात सुनी जाए, और अगर वो कार्रवाई की जाए, आप अपनी कार्रवाई कराते हैं उससे। जो इस देश में कभी नहीं हुई वो बदजुबानी और सर्जिल इमाम जिंदाबाद, उनको रिहा करो, ये नारे लग रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं लग रहे ना, कौन किसान लगा रहा है? आप उस चीज को, आप एक बात बताइए, क्या आपने आपके आंदोलन को हाईजैक कर लिया? आप बुरा मानेंगे? आपको अगर इतना दुख है, आपको अगर इतना दुख है तो आपने उनके खिलाफ तहरीर दीजिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कराते हैं, आप टीवी पर आकर सपने देख सकते हैं, रोज सपने देख सकते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं? जो हमारे मासूम किसान वहाँ पर बैठे हैं, उन मासूम किसानों पर आप क्या ठीक है, ठीक है, मेरे पास आखिर के 5 मिनट